दीपावली महोत्सव का समापन गोवर्धन पूजा के साथ होता है और इस दिन अन्नकूट भी होता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में परंपरा रही है गो क्रीड़ांकन की और इसे देखने के लिए देश भर के लोग श्रीनाथ जी आते हैं। यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर के श्रीनाथ जी चरण चौकी में भी ऐसा आयोजन हुआ है और वो भी बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। गो क्रीड़ांकन हुआ है, गो की पूजा हुई है और अन्नकूट हुआ है। इस आयोजन को देखने के लिए शहरवासी उमड़े हैं। कोरोना महामारी के चलते हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई और भीड़ को भी व्यवस्थित रखा गया। पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर मंडल की भी अच्छी व्यवस्था रही। देखिए हमारे साथ ये खास खबर।
शुक्रिया जी बोला।
जय जी बताएं क्या नाम है? सरिता खंडेलवाल। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, गायों का मनोरथ बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी है, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत टाइम बाद ऐसा देखा इतने सालों में। श्री ये गोवर्धन की शिखर पे वो मान जी गंगा जल भरी ने गोवर्धन पे रहे, गोवर्धन की शिखर पे ने दूध हिलवा रहे, दूध भोरी को चढ़ रहे उन्हें गोवर्धन पे, गोवर्धन की शिखर पे दही हिलो रहे, मान जी गंगा जल भरी रहे। बताओ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम चंपाबेन है, चंपाबेन साहू, और आज हम शिवनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा हुई है, दर्शन करने सब वैष्णव आए हैं और बहुत आनंद हुआ है और बहुत ही आनंद आया है गोवर्धन लीला का दर्शन करके हम सब वैष्णव को। कुल गिराज धरण की जय। बताओ तुम्हारा क्या कहना है? भाई बोल करो, दर्शन आया बहुत अच्छा लगा, जोर से बोलना। क्या नाम है आपका भाई साहब? वरना मास्क वाले भाई लोग फोटो आप मत लो। विजय पुरोहित। बहुत ही मस्त गोवर्धन नाथ जी का मंदिर का टेंपल, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर। आज कोरोना के चक्कर में भी फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। जी बताएं क्या कहना है आपका? क्या नाम है? हाँ जी, भागवंती साहू। अच्छा, भागवंती साहू। गोवर्धन पूजा बहुत अच्छी हुई है। हाँ। और भगवान ठाकुर जी के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हाँ। गिरिराज जी के दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ। ये प्रभु से दर्शन रोज देते रहना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। आपको बहुत बहुत आयोजन कैसा है? आयोजन बहुत बढ़िया आयोजन है यहाँ का, अभी अधिकारी जी का जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सबको दर्शन है। ये तो बढ़िया ही है, पहले से काफ़ी अच्छी भीड़ नहीं है, और दूसरा अभी ऐसा कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा व्यवस्था कर रखा है, तो पहले से तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, क्या क्या कहना है आपका? हमें यहाँ, हम पहली बार आए यहाँ सिन्हा जी के मंदिर, हमें यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन। अच्छा, क्या क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं। आज्ञा में उदयपुर में भी आज गोवर्धन पूजा का भव्य मनोरथ हो रहा है, यह नागद्वारा में इसी प्रकार का आयोजन यहाँ भी हो रहा है, और हम सब वैष्णव इतने आनंद में हैं कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनमानस उमड़ उमड़ कर दर्शन करने आ रहा है और प्रभु की लीला और गोचारण का आनंद ले रहा है। इस अंकुश महोत्सव का भव्य आयोजन होते हुए शिला जी मंदिर में गोस्वामी राकेश जी महाराज के अनुसार आयोजन हो रहा है, जिसमें नागरिक और अभी
वैष्णव जन कोविड के देखते हुए कुछ सीमित संख्या के अंदर दर्शन ले रहे हैं, ये हम सब वैष्णवों के लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठाकुर जी के यहाँ पे पावन पर्व मनाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। गोधन पूजा हो रही है, गायों को रिझाया जा रहा है, गायों की पूजा हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी बात। आप बताओ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, श्रीनाथ जी उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में गोधन पूजा हो रही है और नाथुआरा से सब जन आए ग्वाल और यहाँ गायों को रिझा रहे हैं और भोग लग रहा है, पूजा हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। गोधन पूजा का कार्यक्रम नागपुर के यहाँ उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जी बताए क्या कहना है? यहाँ का गोधन पूजा का आयोजन हमें पहली बार चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, जैसा नागवाड़ा श्रीनाथ जी में हो रहा है उसी जैसा यहाँ पर है और बहुत आनंद आ रहा है। हम सब मतलब पहली बार आए यहाँ पर और बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ की पूजा देखते हैं गायों का और श्रीनाथ जी का बहुत अच्छा लग रहा है। आपका दिलीप पारिक नहीं, ये गोवर्धन पूजा हो रही है, आपको कैसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे? विशाल की तरफ बहुत अच्छा है, भोनाथ में महामारी में भी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, बहुत स्ट्रिंग पर ध्यान रखा गया है। जी बताए क्या कहना है? आज गोवर्धन पूजा श्रीमान तिलकाद महाराज एवं विशाल बाबू की आज्ञा से गोधन चौक में गोधन पूजा हो रही है और इस महामारी में आपकी आज्ञा सभी व्यक्तियों पर कृपा करके आज्ञा दी है और कोरोना का ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम भीड़ में दर्शन हो रहे हैं और गाय आनंद ले रही है और गोधन पूजा आनंद से होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है, उसके कारण ये सोशल डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। थाना सूरज बोल द्वारा ये प्रतिवर्ष की बात है, इस बार भी गोधन पूजा का ये प्रोग्राम चल रहा है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग बिना मास्क और सैनिटाइजर करके ही अंदर आ रहा है प्रत्येक आदमी और बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। मैंने कहा चांदी भी है क्या? जी बताएं क्या नाम है आपका? प्रियंका। अच्छा क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे गोधन पहले श्रीनाथ जी के वहाँ होता था पर यहाँ भी हुआ, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, गोधन पूजा का आयोजन बहुत अच्छा सुंदर उत्सव हुआ है यहाँ पे। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? पहले नाथद्वारा में होता था, अब दो साल से यहाँ हो रहा है तो हम भी देखने आए, बहुत अच्छा लगा। आप बता। हाँ तेरा रवि सिंह सोलंकी। अच्छा आज क्या किया तुमने? आज हमने गाय खेली है। हाँ और कैसा लगा गाय खेलने के? अच्छा लगा। हैं कैसे खेले ही गाय? कैसे खेले ही गाय? क्या किया तूने गाय खेलने में? गाय खेलने में गुप्पी बजाई। बहुत अच्छा लगा हमको ये कार्यक्रम, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं हम इसको देखने के लिए। आज तो थोड़ा दुख भी हुआ हमको, दर्शन नहीं हो पाए, गोवर्धन जी की परिक्रमा जरूर करी हमने, हर साल आते हैं प्रोग्राम गोधन पूजा का यहाँ होता है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से हमको। फिर इस बार हम आए तो लेट हो गए दर्शन नहीं। ऊपर रखो थोड़ा सा। पूजा दीपावली महोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है और इसके साथ ही दीपावली महोत्सव का समापन भी होता है। उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ पर गोवर्धन पूजा का महोत्सव हुआ है। हमारे साथ में श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर के अधिकारी जी हैं कैलाश चंद जी, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और क्या कहना है आपका? जी पूज्यपाद तिलकायत महाराष्ट्र और विशाल बाबा की आज्ञा से यहाँ प्रतिवर्ष अन्नकूट उत्सव और गोवर्धन पूजा होती है। इस बार भी कोरोना की वजह से सामाजिक दूरी और सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए
इस आयोजन को किया गया। इसमें नाथद्वारा से हमारे ग्वाल जी भी आए और सेवा वाले पधारे और गौ माता जी को अच्छे से सजाकर और सुंदर आयोजन किया और सभी वैष्णवों ने बहुत आनंद लिया। आप बताएं कैसा यहाँ रहा है? यहाँ ठाकुर जी की श्रीनाथ जी गौशाला घसार गौशाला की गौ माता यहाँ पधारी गई, वहाँ से सब ग्वाल बाल आए, गोवर्धन पूजा हुई, गौ माता को खिलाया और हीड गान किया गया। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? ठाकुर जी ने 7 दिन तक गोवर्धन उठाया गो गिरिराज जी में, 7 दिन बाद जब दीपावली आई तो अन्नकूट और ये डला टोकरा धराए और ठाकुर जी गौ माता की गौ कीड़ा करी गई, वही परंपरा गुगा है। आप बताओ। हम तो इस ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन, आज जब मैं 50 साल का हो गया, ऐसा उदयपुर में कभी ऐसा मनोरथ के दर्शन नहीं किए, ऐसे ग्वाल के कभी दर्शन नहीं किए, ऐसा हीड़ा कभी हमने नहीं सुना, जो पहली बार उदयपुर में ऐतिहासिक ये मनोरथ हुआ, इससे हमें बहुत आनंदपूर्वक आनंद आया। राजवेली में प्रोग्राम चौंकुट का हुआ, उसमें गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम हुआ और बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही। हमारे भंडारी साहब कैलाश जी की तरफ से जो सहयोग मिला और ठाकुर जी की मेहरबानी से जो आशीर्वाद मिला वो आनंदमय रहे जी। मैं उदयपुर श्रीनाथ जी का गार्ड मदन सिंह। यहाँ श्रीनाथ जी का जो क्या व्यवस्था रही रखी, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, पुलिस प्रशासन का भी साथ रहा और भंडारी जी का विशेष कर सहयोग रहा, बहुत अच्छा यहाँ आयोजन हुआ। बोल श्री गिरिराज।